इंडिया, सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। और फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे आज देश को प्रधानमंत्री मोदी क्या सौगात देने वाले हैं, साथ ही दिखाएंगे पश्चिम बंगाल का रक्त चरित्र। लेकिन पहले देखिए नॉनस्टॉप अंदाज में सुबह की 100 बड़ी खबरें 10 मिनट में। पीएम मोदी आज स्वदेशी युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A सेना को सौंपेंगे। चेन्नई के अवाड़ी टैंक उत्पादन केंद्र में होगा कार्यक्रम। रक्षा मंत्रालय ने 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक को सेना में शामिल करने की मंजूरी दी है। नई खेप से सेना की जमीन पर मारक क्षमता को ज्यादा मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी आज तमिलनाडु के साथ ही केरल दौरे पर भी जाएंगे, कई प्रोजेक्ट्स की करेंगे शुरुआत। पीएम आज 3,770 करोड़ रुपए से तैयार चेन्नई मेट्रो रेल फेज 1 एक्सटेंशन का भी उद्घाटन करेंगे। केरल में पेट्रोकेमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जल मार्गों से संबंधित कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी से बीजेपी में आए नेता बाबू मास्टर पर हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पार्टी ऑफिस से कोलकाता लौट रहे थे बाबू मास्टर, उसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने बसंती हाईवे पर बम गोलियों से हमला किया। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के भगवान राम और देवी दुर्गा पर दिए गए बयान पर हुई सियासत, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने महिलाओं का अपमान बताया। टीएमसी के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी ने ममता सरकार पर साधा निशाना, बोले जब मैंने भ्रष्टाचार की आलोचना की तो पार्टी ने मेरी आलोचना की। दिनेश त्रिवेदी ने कहा अपने उद्देश्य से भटक गई है टीएमसी, जिस चीज के लिए पार्टी बनाई गई थी वो अब नहीं रही। बीजेपी नेता राजीव बनर्जी ने कहा बंगाल का विकास चाहने वाले टीएमसी में नहीं रह सकते। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन, अभिषेक बनर्जी ने दक्षिण कोलकाता के सोनारपुर में किया रोड शो। अभिषेक बनर्जी ने कहा लड़ाई उन बाहरी लोगों को भगाने की है जो बंगाल में अपनी संस्कृति थोपना चाहते हैं, बोले बीजेपी से पैसा ले लेकिन वोट टीएमसी को दे। अभिषेक बनर्जी का बयान अब ममता बनर्जी केंद्र सरकार के आगे सिर नहीं झुकाएगी, गला कट जाने के बाद भी मैं जय बांग्ला और जय ममता बनर्जी बोलूंगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली पुलिस को लिखी चिट्ठी, घर के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटाने की मांग की, कहा मुझे स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, हमारा लोकतंत्र ही खतरे में है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक लोकसभा से पास, जम्मू कश्मीर के अधिकारी अब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर का होंगे हिस्सा। अमित शाह ने आशंका को खारिज किया, कहा पुनर्गठन संशोधन विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने से रोकता है। संसद से अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया भरोसा, सही समय पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह अनुच्छेद 370 विकास के रास्ते में रोड़ा था इसलिए हटाया। अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा वोट बैंक के चलते कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 नहीं हटाया, देश में दो विधान दो निशान नहीं रहेंगे। अमित शाह ने कहा कांग्रेस राज में कश्मीरी पंडित भगा दिए गए, कांग्रेस ने मानवाधिकार का उल्लंघन किया। अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर पर परंपराएं बदल रही, पहले कश्मीर में राजा रानी के पेट से पैदा होते थे शासक, अब सामान्य लोग करेंगे शासन। अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर के बच्चे अब बंदूक से नहीं बैट से खेलते हैं, प्रदेश में विकास से कोई रोक नहीं सकता। अधीर रंजन चौधरी का सवाल, कश्मीरी पंडितों की अभी तक वापसी क्यों नहीं हुई, 200-300 एकड़ जमीन देने के वादे का क्या हुआ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा, कहा जम्मू कश्मीर में नई व्यवस्था को 70 महीने भी नहीं हुए हैं, 70 साल राज करने वाले क्या ने क्या किया। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर विध्वंसक राजनीति करने का आरोप लगाया, राहुल को भारत का डूम्सडे मैन बताया। वित्त मंत्री निर्मला ने कहा कांग्रेस की दो प्रवृत्तियों पर ध्यान देने को कहा, कहा लोकतांत्रिक संस्थाओं में कांग्रेस की आस्था खत्म। निर्मला ने राहुल पर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बार बार अपमान का आरोप लगाया, कहा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का कर चुके हैं अपमान। निर्मला सीतारमण ने कर्ज माफी पर यू टर्न का लगाया आरोप, पूछा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया कर्ज माफी। निर्मला ने हम तो हमारे दो के बहाने राहुल पर बोला हमला, कहा अपने स्पीच में बोल सकते थे दामाद की जमीन वापस करो। निर्मला सीतारमण ने कहा हम ना दामाद के लिए काम करते हैं और ना ही क्रोनी के लिए करते हैं, हम जनता के लिए काम करते हैं। निर्मला ने अपने स्पीच में कई बार दामाद का किया जिक्र, कहा दामाद को हरियाणा और राजस्थान को मिली जमीन जहां कांग्रेस का था शासन। पी चिदम्बरम का वित्त मंत्री पर पलटवार, ट्वीट कर कहा बजट के माध्यम से झूठी कहानी फैला रही हैं सीतारमण। राहुल गांधी पर वित्त मंत्री की टिप्पणी पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, वित्त मंत्री को गैर संसदीय तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बजट सत्र का पहला चरण समाप्त होने पर बोले लोकसभा अध्यक्ष, गतिरोध के बावजूद लोकसभा में अच्छा काम हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज असम दौरे पर जाएंगे, शिवसागर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के अलावा एक सभा को संबोधित भी करेंगे। राहुल गांधी ने राजस्थान दौरे के दूसरे दिन अजमेर के वीर तेजाजी महाराज मंदिर में पूजा की। राजस्थान के रूपनगर में
किसानों के ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए राहुल गांधी, ट्रैक्टर चलाते दिखे राहुल। अजमेर में किसान ट्रैक्टर रैली में बोले राहुल गांधी, जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक कोई किसान सरकार से बात नहीं करेगा। राहुल ने कृषि कानून को बताया पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला, कहा कानून से किसानों का भला नहीं होगा। राहुल बोले, कानून लागू होने से नहीं मिलेगा किसी युवा को रोजगार, भुखमरी, बेरोजगारी और आत्महत्या बढ़ेगी। नागौर में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले लॉकडाउन के दौरान मजदूरों ने हाथ जोड़कर पीएम से मांगा रेल, बस और टिकट के लिए रुपए, लेकिन पीएम ने नहीं की मदद। राहुल ने बीजेपी पर किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को सम्मान नहीं देने की बात कही, बोले संसद में मैंने 2 मिनट का मौन रखा लेकिन बीजेपी का कोई सांसद खड़ा नहीं हुआ। पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी आज, हमले में शहीद होने वाले 40 जवानों को वॉर मेमोरियल समेत देश भर में दी जाएगी श्रद्धांजलि। सीआरपीएफ के लेतपुरा में कैंप में स्थित स्मारक पर भी दी जाएगी श्रद्धांजलि, सीआरपीएफ के डीजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व कांस्टेबल नाविद मुश्ताक शाह के खिलाफ एनआईए ने दायर की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, हिजबुल के साथ मिलकर 2019 में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करने का आरोप। तवांग को भारत में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाने वाले मेजर रंगलाओ खातिंग को आज किया जाएगा सम्मानित, सीडीएस विपिन रावत भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पंजाब बॉर्डर पर एनसीबी और बीएसएफ ने 14 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त की, ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी नागरिक मारा गया। पंजाब में आज लोकल बॉडी के लिए होगी वोटिंग, 8 नगर निगमों, 109 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आज वृंदावन जाएंगे, हरिद्वार कुंभ से पहले वैष्णव बैठक में होंगे शामिल। लखनऊ में फिर मुस्लिम समाज के लोगों ने सौहार्द की मिसाल पेश की, राम मंदिर के लिए फंड इकट्ठा करने की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली पुलिस ने रिंकू शर्मा मर्डर केस की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी, बुधवार की रात विवाद के बाद चाकू मारकर की गई थी हत्या। रिंकू शर्मा की हत्या के विरोध में बजरंग दल आज देश भर में 25,000 जगहों पर करेगी श्रद्धांजलि सभा, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आज रिंकू के परिजनों से मुलाकात करेंगे। जयपुर में रिंकू शर्मा हत्याकांड के विरोध में वीएचपी का प्रदर्शन, दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। चंडीगढ़ में रिंकू शर्मा हत्याकांड के विरोध में वीएचपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी। बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पर भड़के तेज प्रताप यादव, बोले जगदानंद सिंह जैसे लोगों की वजह से पिता लालू यादव हुए बीमार। 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा पर किसान नेताओं की मांग का, हिंसा की घटना की न्यायिक जांच। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च में शामिल 16 किसानों का अभी पता नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा ने दी जानकारी। गिरफ्तार किसानों को आर्थिक और कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा संयुक्त किसान मोर्चा, प्रताड़ित और झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाया गया, पुलिस ने 14 मुकदमों में 122 किसानों को हिरासत में लिया। किसान संगठनों ने कहा हम पूरी तरह से एकजुट हैं, 23 फरवरी तक के कार्यक्रम निर्धारित है, किसानों को हताश होने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी ने कहा देश के बेहतर भविष्य के लिए हमारे अन्नदाता कर रहे हैं शांतिपूर्ण संघर्ष, मैं उनके साथ हूं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, राजनीतिक लाभ के किसानों को भ्रमित कर रहे हैं विपक्षी दल। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने दिल्ली के बॉर्डर्स का दौरा किया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। गृह मंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, किसान आंदोलन, मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई मुद्दों पर हुई बात, मनोहर लाल खट्टर ने कहा। मुलाकात के बाद बोले मनोहर लाल खट्टर, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों से भरपाई के लिए लाया जाएगा कानून, कहा कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए कर रहे हैं आंदोलन। उत्तराखंड हादसे में अब तक 38 लोगों के शव बरामद, 13 शवों की हुई पहचान, 166 लोग अभी लापता। रैनी गांव के ऊपर बनी झील के पास पहुंची SDRF की टीम, कहा घबराने की कोई बात नहीं, पानी हो रहा है डिस्चार्ज। तपोवन टनल के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, ड्रिलिंग मशीन का किया जा रहा है इस्तेमाल। उत्तराखंड में आई तबाही में यूपी के 64 लोग अभी भी लापता, 5 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तराखंड हादसे में प्रभावित गांवों में राशन और जरूरी सामान पहुंचाने में जुटे हैं IGPP के जवान, बाकी हिस्सों से टूट गया है संपर्क। देश में कोरोना के 12,188 नए मामले फिर से सामने आए, 24 घंटे में 85 संक्रमितों ने दम तोड़ा। केरल में फिर कोरोना के 5,835 नए केस आए, 16 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,611 नए मामले सामने आए, राज्य में कोरोना के 33,269 एक्टिव केस। नागपुर महानगर पालिका कोरोना को लेकर अलर्ट पर, पिछले 48 घंटे में 800 से अधिक मामले, कई इलाकों को इमर्जिंग हॉटस्पॉट घोषित किया गया, जनता से टेस्ट करवाने की अपील। नागपुर में बढ़ते कोरोना को देखते हुए एक बार फिर से सख्ती के आदेश, अब मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के खिलाफ महानगर पालिका सख्ती से कार्रवाई करेगा। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना से 477 लोग संक्रमित, 5 लोगों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 126 लोगों की जान संक्रमित हुए और राज्य में कोरोना के 1,041 एक्टिव केस। यूपी में कोरोना रिकवरी रेट 98% से भी ज्यादा, 24 घंटे में सिर्फ 93 नए मामले।
देश में अब तक 80,92,000 से ज्यादा लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। बिहार के जमुई में कोरोना टेस्टिंग डेटा में गड़बड़ी पर बोले प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। 18 फरवरी से खुलेंगे गुजरात में 6 से 8 तक के कॉलेजेस, ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। दुनिया भर में कोरोना के 10,90,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 24,00,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत। बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का परीक्षण करेगी ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी, वैक्सीन के प्रभाव का पता लगाया जाएगा। हरियाणा के रोहतक में 5 लोगों की हत्या का आरोपी सुखवेंद्र गिरफ्तार, दिल्ली और हरियाणा पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। महाराष्ट्र के पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने कहा नंदुरबार में 20 से 25,000 मुर्गियों को मारा जाएगा, महाराष्ट्र से 8 दिन के अंदर बर्ड फ्लू का संक्रमण खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस ने कंगना की शूटिंग का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, ट्रैक्टर से बैरिकेड हटाने के साथ किया पथराव। और 6 करोड़ रुपए से ज्यादा ठगी के मामले में दिल्ली पुलिस ने यस बैंक राजस्थान से जुड़े अरुण कुमार स्वामी को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नकली नोटों के साथ एक शख्स गिरफ्तार, 3,50,000 के 2,000 के नकली नोट बरामद किए। मुंबई में 1,800 किलो गांजा जब्त किया गया, 2 लोग गिरफ्तार, एंटी नारकोटिक सेल को कामयाबी मिली। कर्नाटक के कलबुर्गी में पुलिस ने 5 मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों के पास से ढेर सारे मोबाइल बरामद। शिमला में टूरिस्ट को लुभाने के लिए स्नो गेम्स का आयोजन किया गया, बर्फ में खेलने का मजा ले रहे हैं सैलानी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिली राहत, सीनेट ने महाभियोग से किया बरी। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, वकीलों ने सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूरोपीय संघ ने चीन को बीबीसी वर्ल्ड न्यूज से प्रतिबंध हटाने को कहा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन बताया। अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पर तेल टैंकर में धमाका, 7 लोगों को घायल होने की खबर। सोमालिया में पुलिस चेक पॉइंट के पास कार बम धमाका, सुइसाइड बॉम्बर की मौत, 7 लोग घायल। इटली में आपस में टकराई 25 कारें, 2 लोगों की मौत, दर्जनों घायल, सड़क पर बर्फ की वजह से फिसलन थी। जापान के फुकुशिमा समेत कई इलाकों में 7.1 तीव्रता का भूकंप, सुनामी के खतरे को किया गया खारिज। रूस में रिकॉर्ड बर्फबारी से जनजीवन बेहाल, शनिवार को बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया मॉस्को। भारत इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन, पहले दिन भारत ने 6 विकेट पर 300 रन बनाए। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने 161 रन बनाए, रहाणे ने 67 रन की पारी खेली। और फिलहाल वक्त एक